फिल्म के स्टार्टिंग में सन 1850 को दिखाया जाता है। फिर यहाँ एक राइटर दिखाया जाता है जो वहाँ बहुत फेमस था। वो राइटर यहाँ किसी से मिलने आया था। फिर वो राइटर एक घर के दरवाजे को खटखटाता है, लेकिन उस घर में जो औरत थी वो उसे वापस जाने के लिए बोलती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो कोई ग्राहक है। फिर इसके बाद वो राइटर उस लेडी को बताता है कि मैं एक लेखक हूँ, मैं कोई ग्राहक नहीं। फिर वो औरत उसे अंदर बुला देती है। वो लेखक यहाँ इस औरत के पति से मिलने आया था। इस औरत के पति का नाम थॉमस था। यहाँ वो लेखक उस आदमी से एक स्टोरी सुनने आया था। जैसे ही वो लेखक थॉमस से मिलता है तो वो थॉमस को भरा बुला कहने लगता है। फिर थॉमस कहता है, क्या तुम पागल हो, इतनी दूर से तुम मुझसे मिलने आए हो। वो लेखक थॉमस को कहता है कि मैं यहाँ आपसे एक कहानी सुनने आया हूँ, मैं आपको इसके पैसे भी दूंगा। इसके बाद वो लेखक थॉमस के सामने बहुत से रुपए रखता है। फिर थॉमस उन रुपयों को लेने के लिए इनकार कर देता है। फिर थॉमस कहता है, अब तुम यहाँ से जाओ, तुम्हें सरकारी दफ्तर में वो कहानी मिल जाएगी। इसके बाद वो लेखक कहता है, मुझे वो कहानी आपके मुँह से सुननी है। इसके बाद थॉमस लेखक पर गुस्सा करने लगता है और उसे जाने के लिए बोलता है। इसके बाद लेखक जैसे ही वहाँ से जाने लगता है, थॉमस की वाइफ उसे जाने नहीं देती। थॉमस की वाइफ लेखक से माफ़ी भी मांगती है उसके बिहेवियर पर। थॉमस की वाइफ कहती है, तुम उसकी किसी भी बात का बुरा मत मानना। फिर वो कहती है कि थॉमस ने आज तक उस कहानी के बारे में किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं। फिर थॉमस की वाइफ खुद थॉमस के पास जाकर खुद उससे कहती है कि तुम प्लीज़ कहानी सुनाओ उस घटना के बारे में जो तुम्हारे साथ घटित हुई थी। फिर इसके बाद थॉमस अपनी कहानी सुनाने के लिए राजी हो जाता है। थॉमस की फैमिली काफ़ी गरीब थी, उन्हें पैसों की ज़रूरत थी। फिर थॉमस उस लेखक को अपने पास बुलाता है। फिर थॉमस उस लेखक से कहता है कि मैं तुम्हें उतनी ही स्टोरी सुनाऊंगा जितना तुम सह सकोगे, ये कोई बच्चों की कहानी नहीं है, ये एक फिक्शनल स्टोरी है, ये मेरी ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी है जिसने मेरी पूरी लाइफ को बदल दिया। फिर थॉमस अपनी कहानी को सुनाता है। फिर इसके बाद थॉमस 1820 की घटना को बताता है, जब समुद्र में व्हेल मछली का शिकार किया जाता था, क्योंकि व्हेल मछली का जो ऑयल था वो बहुत महंगा था, इसलिए उसका शिकार किया जाता था। उस समय बहुत से लोग व्हेल मछली के तेल का व्यापार करते थे, यहाँ तक कि लोग वहाँ सट्टा भी लगाते थे कि जितने जहाज समुद्र में जा रहे हैं सबसे ज़्यादा ऑयल कौन लाएगा। फिर इसके बाद एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम ओवेन होता है। ओवेन एक कंपनी में काम करता था। ओवेन जिस कंपनी के लिए काम करता था वो व्हेल का शिकार करते थे। इसके बाद ओवेन उस कंपनी के हेड से मिलता है। इसमें वो बताते हैं कि हम इस बार शिकार करने के लिए बहुत बड़ा जहाज भेजने वाले हैं जो बहुत महंगा है। फिर इसके बाद वो कहते हैं कि उस शिप का ऑफिसर हम तुम्हें बनाएंगे। ये बात सुनकर ओवेन कन्फ्यूज़ हो जाता है और वो कहता है कि आपने तो कहा था कि नेक्स्ट टाइम कैप्टन बनोगे। वो लोग जिसे कैप्टन बनाना चाहते थे उसका नाम जॉर्ज था, जो उस कंपनी के एक अधिकारी का बेटा था। फिर वो ओवेन को कहते हैं कि हम अगली बार तुम्हें ही कैप्टन बनाएंगे। इसके बाद वो लोग डर कर ओवेन की सैलरी बढ़ाने को कहते हैं। फिर ओवेन उनकी बात मान लेता है। फिर वो उन लोगों से कहता है कि मुझे लिख कर दो कि अगली बार तुम मुझे कैप्टन बनाओगे। फिर इसके बाद ओवेन घर जाकर अपने सामान पैक करता है वहाँ जाने के लिए। इसके बाद के सीन में जॉर्ज दिखाया जाता है जो वहाँ का कैप्टन था, और वो अपने पिता से मिलता है। उसका पिता कहता है कि बेटा कामयाब होकर वापस आना। फिर वो सब लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं जिन्होंने जाना था। उन्हें भेजने के लिए वहाँ उस शहर के बहुत से लोग आए हुए होते हैं। फिर वहाँ पर एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम थॉमस था, और ये थॉमस वही आदमी है जो अपनी स्टोरी को सुना रहा है। थॉमस पहली बार शिकार करने के लिए जा रहा था, और वो ओवेन का बचपन का दोस्त था, और उसके बाकी दोस्त भी उसके साथ थे। फिर इसके बाद वो अपने सफ़र पर निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाकर इनके जहाज में कुछ खराबी हो जाती है। उन्हें ऐसा लगा जैसे कि उनका जहाज कहीं फंस गया हो। फिर इसके बाद ओवेन सूझबूझ दिखाता है अपनी, और जहाज पर अपने साथियों के साथ फटाफट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। वहीं कैप्टन जॉर्ज उसे देखता रह जाता है। ओवेन को देखकर कैप्टन जॉर्ज को बुरा लगने लगता है। फिर इस बात का बदला वो रात को लेता है उससे, और वो ओवेन की इंसल्ट करता है और कहता है कि तुम गरीब हो और तुम एक किसान के बेटे हो। फिर इसके बाद ओवेन वहाँ से उठकर चला जाता है। अगले दिन जॉर्ज ओवेन को ऑर्डर देता है, लेकिन ओवेन को जॉर्ज का ऑर्डर मानना ही था। तभी ओवेन सामने देखता है कि सामने से एक समुद्री तूफान आ रहा है। फिर वो जॉर्ज को बताता है कि आगे समुद्री तूफान आ रहा है तो हमें अपने शिप को वापस मोड़ देना चाहिए। लेकिन जॉर्ज ओवेन की बात नहीं मानता और जहाज को तूफान में ही चलाने का ऑर्डर देता है। जब वो तूफान के अंदर जाते हैं फिर वो लोग तूफान में जाकर फंस जाते हैं। यहाँ पर ओवेन फिर से कहता है कि जहाज को प्लीज़ मोड़ दो, लेकिन जॉर्ज उसकी बात नहीं मानता और वो जहाज को आगे बढ़ने देता है। फिर वो किसी तरह से तूफान से बाहर आ जाते हैं। फिर इसके बाद जॉर्ज ओवेन से कहता है कि तुम सबके सामने मुझसे माफ़ी मांगोगे, हम इस जहाज को फिर से अपने घर की ओर मोड़ देंगे,
हम किसी भी मछली का शिकार नहीं करेंगे। फिर ओविन जोर से कहता है कि हम खाली हाथ वापस नहीं जा सकते, क्योंकि ये बहुत से लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। वहाँ के लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब यहाँ तेल लाएं। फिर ओविन जॉर्ज को मना लेता है। इसके बाद हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। वो लोग वहाँ ऐसी जगह पहुँच चुके थे जहाँ बहुत सारी वेल्स थी। फिर वो वेल का शिकार करने के लिए अपनी बोट पर निकल जाते हैं। फिर ओविन एक वेल पर अटैक करता है। फिर ओविन पहली वेल को मार देता है। फिर वो लोग वेल को अपने जहाज पर ला देते हैं। फिर वो लोग उस मछली का तेल निकालते हैं। इसके बाद कई दिनों तक उन्हें कोई शिकार नहीं मिलता और उनके खाने का सामान भी ख़त्म हो गया था। फिर वो आगे ना जाकर बीच में ही एक आइलैंड पर रुक जाते हैं। उस जगह वो एक कैप्टन से मिलते हैं, वो भी एक वेल के शिकार के लिए वहाँ आया था। फिर वो सब लोग उससे मिलते हैं। फिर वो अपने शिकार की आखिरी कहानी सुनाता है। फिर वो बताता है कि हम समुद्र के बीचों बीच आ गए थे, जहाँ उनका सामना एक बहुत बड़े वेल से हुआ। वो वेल बहुत बड़ा और बहुत लंबा था, जिसे ग्रेट वेल कहा जाता था। लेकिन ग्रेट वेल ने उनके जहाज पर अटैक कर दिया, जिससे उनका शिप टूट गया, जिससे उसके हाथ और बाजू में टूट गई और बाकी के साथी भी मर गए। लेकिन वो लोग उसकी बातों को मजाक समझ रहे थे। वो सोचते हैं कि ये कोई मजाक की कहानी सुना रहा है। फिर वो कैप्टन वहाँ से चला जाता है। फिर वो लोग आपस में बात करते हैं कि हमें भी वहाँ जाना चाहिए और ग्रेट वेल को पकड़ना चाहिए। फिर इसके बाद वो अपने जहाज पर आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हमें 14 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। फिर इसके बाद वो फाइनली उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें जाना था। फिर वो सब लोग अपनी बोट लेकर वहाँ जाने लगे। जैसे ही वो आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी कोयल उन पर अटैक कर देता है और उनकी बोट को पलट देता है और वो बोट से गिर जाते हैं। फिर वो सब लोग अपनी आंखों के सामने उस ग्रेट व्हेल को देखते हैं, जो साइज में बहुत बड़ा था। फिर वो ग्रेट व्हेल वहाँ से जाने लगती है। फिर उस बोट पर बैठा हुआ आदमी उस ग्रेट व्हेल पर अटैक करता है, जिससे वो व्हेल को मार देते हैं। फिर एक ग्रेट व्हेल आकर उनके सिप पर अटैक करती है, जिस वजह से जहाज डूबने लगता है। जॉर्ज ये सब देख रहा था जहाज पर बैठकर, क्योंकि उनका जहाज डूब रहा था, इसलिए वो सबको ऑर्डर देता है कि वो की बोट पर आ जाएं। और वो सब आकर बोट में बैठ गए। जितना खाना बचा था वो अपनी बोट पर ले देते हैं। फिर वो वहाँ से निकलने के लिए समुद्री मैप को देख रहे थे। अब उनका वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो चुका था। इसके बाद वो फिर एक समुद्री तूफान में फंस जाते हैं। फिर वो वहाँ से बचकर बाहर निकल जाते हैं। फिर कई दिन गुजर जाते हैं। उस तूफान में उसके दोस्त को चोट लगी थी, तो ओविन उसकी देखभाल करता था। फिर इसके बाद 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। फिर इनके पास सारा खाना ख़त्म हो जाता है। फिर इनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी भूख की वजह से। तभी इनके एक साथी को ज़मीन नज़र आती है। फिर वो अपनी बोट को ज़मीन की तरफ ले जाने लगते हैं। जैसे ही वो किनारे तक पहुँचने वाले होते हैं, इनको कुछ महसूस होता है और वो एक ग्रेट व्हेल थी। वो उन सारी बोटों से टकरा कर उन्हें नष्ट कर देती है और उनकी बोट तबाह हो जाती है। फिर वो समुद्र की लहरों के साथ किनारे आ जाते हैं। फिर वो आइलैंड पर आकर उन्हें जो मिल रहा था वो उसे खा लेते थे। फिर जॉर्ज अपने साथियों को आग जलाने के लिए बोलता है। उस आग की वजह से अगर समुद्र में कोई जहाज होगा तो उन्हें आकर ले जाएगा। जहाँ वो लोग रुके थे वो बंजर आइलैंड था, जो सुनसान पड़ा हुआ था। फिर खाने की तलाश में उस आइलैंड पर एक गुफा मिलती है। अंदर जाकर उन्हें बहुत से लोगों के कंकाल दिखाई देते हैं। फिर उन लोगों को लगता है कि हम भी इन्हीं की तरह मरने वाले हैं। फिर इसके बाद वो अपनी टूटी हुई बोटों को जोड़ने का काम करते हैं। उनमें से कुछ लोग आइलैंड पर रुकने का ही सोचते हैं। उन लोगों में ओविन के बचपन का दोस्त शामिल था। फिर ओविन उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए मदद जरूर लेके आऊँगा। फिर इसके बाद हमें 48 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। इसके बाद उनकी हालत बहुत बद से बदतर हो जाती है। इसके बाद उनका एक साथी मर जाता है। फिर वो लोग तय करते हैं कि हम इसको फेंकेंगे नहीं, हम इसको खाएंगे। ऐसा करना उनके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। फिर वो सभी लोग उसे खा लेते हैं। फिर इसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ थॉमस दिखाया जाता है जो अभी भी कहानी सुना रहा होता है, जहाँ थॉमस बहुत अपसेट हो जाता है। फिर वहाँ ओविन की पत्नी भी रोती हुई आ जाती है। फिर इसके बाद कहानी में 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, और वो समुद्र पर अब भी फंसे हुए थे और वहीं भटक रहे थे और वो भूख की वजह से तड़प रहे थे। फिर वो मजबूर होकर वो आपस में ही एक गेम खेलते हैं। फिर उस गेम में जो हारेगा उसे मारकर उसको खा लिया जाता था। फिर एक दिन कैप्टन जॉर्ज हार जाता है। फिर जॉर्ज अपने कज़न को एक गन देता है और कहता है कि तुम मुझे गोली मार दो। लेकिन जॉर्ज का वो कज़न खुद को ही गोली मार देता है और बाकी लोग उसे खा लेते हैं। फिर इसके बाद ग्रेट व्हेल वहाँ आ जाती है। फिर इसके बाद जैसे ही ओविन उस ग्रेट व्हेल पर अटैक करने वाला होता है, तभी ओविन उस ग्रेट व्हेल की आँख देता है। फिर वो व्हेल पर अटैक नहीं करता। फिर ग्रेट व्हेल वहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद 90 दिन का सीन दिखाया जाता है, 90 दिन बाद। फिर इसके बाद वहाँ एक जहाज आता है और वो उनकी बोट को देख लेता है। फिर वो लोग उनकी मदद करते हैं। जब उस जहाज का कैप्टन देखता है कि उस बोट में इंसानी हड्डियाँ पड़ी हैं, फिर वो काफ़ी भयभीत हो जाता है।
और जिस बोट में ओविन और थॉमस थे वो उस बोट से अलग हो गए थे और उनका बुरा हाल था। तभी ओविन की नज़र एक जहाज पर पड़ती है और वो मदद के लिए उस जहाज को बुलाते हैं। फिर आखिरकार उन लोगों को बचा लिया जाता है, फिर उन लोगों को उनके घर लाया जाता है। फिर वहाँ के लोग उनको देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं, उन्हें लगा था कि ये लोग मर गए होंगे। वहाँ ओविन की वाइफ उसका इंतजार कर रही थी। फिर ओविन की वाइफ ओविन को जल्दी से गले लगाती है। फिर इसके बाद ओविन और थॉमस मिलते हैं। यहाँ पर ओविन थॉमस को एक निशाने के तौर पर एक वेल पिन देता है। इसके बाद उस कंपनी के लोग ओविन और थॉमस को बुलाते हैं, उनसे वो कहानी सुनने के लिए जो उनके साथ हुआ था। ओविन को पता था कि कोई हमारी बात पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए ओविन वहाँ से जाने लगता है। फिर ओविन जाते जाते जॉर्ज से कहता है कि तुम अपने कैप्टन के पद पर बने रहो, इन्हें वो सब कुछ सच सच बता दो। फिर जॉर्ज उन्हें वो सब कुछ बता देता है। फिर कंपनी के लोगों को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता। इसके बाद ओविन अपनी लाइफ को अच्छे से जीना शुरू करता है और थॉमस की कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। थॉमस उस लेखक से पूछता है कि क्या तुम इस कहानी को दुनिया के सामने लाओगे। फिर वो लेखक कहता है हाँ। फिर वो कहता है कि मैं इस कहानी को और अच्छे से लिखूंगा। फिर कुछ महीनों बाद उस लेखक ने उस कहानी को लिख दिया था और वो उस कहानी को लिखने के बाद बहुत फेमस हो गया और फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोज़ देखते रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।